नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आलू पालक की ऐसी चटपटी टेस्टी मसालेदार रेसिपी लेकर आए हैं जो खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे और आपका मन हफ्ते में 2 से 3 बार इसे बनाने का ज़रूर करेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया पालक, मैंने लिया था जो पालक ना एक गड्डी लिया था, उसको काटने के बाद धोने के बाद ये मेरे पास 1/2 किलो के करीब पालक है। इसको हमने घर पर ही काटा है, चक्कू से जितना बारीक आराम से कट सका। और इसके साथ ही 1/2 किलो के करीब मैंने आलू ले लिए हैं। आज जो मेरे पास आलू हैं ये छोटे वाले हैं, इसको मैंने कुकर की एक विसल में उबाला है। अगर आपके पास बड़े हों आप वो भी ले सकते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर देंगे और मैं इसमें ना थोड़ा सा डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें और उसे गर्म कर लें। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 20 कलियां लहसुन की। इसको थोड़ा सा हम चला देंगे, हल्की हल्की चितरी आ जाए, थोड़ा सा ये भुन जाए। देखिए मैंने मीडियम गैस पर इसको भुना है, ये देखिए हल्की हल्की ये गोल्डन होनी शुरू हो गई है। अब मैं इस पर डालने लगी हूँ 4 सूखी लाल मिर्ची। मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज़ किया है, आप चाहे तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा भून लें। देखिए हो गए हैं, अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब ये पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे ना तो इसको पीस कर हम तैयार कर लेंगे। अब इसी पैन में मैंने और घी नहीं डाला है, सारे आलुओं को डाल रही हूँ। देखिए अगर आपके पास छोटे वाले आलू नहीं है तो आप बड़े वाले आलू के 2 भाग करके ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चुटकी के करीब तो डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 2 चुटकी ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इनको हम मीडियम गैस पर भून लेंगे। एक तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और आलूओं का टेस्ट ना बहुत ही बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए मिर्ची और लहसुन को हमने पीस कर तैयार कर लिया है, इस पर पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ा दरदरा पिसेगा। देखिए आलू भी हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा सा कलर आ गया, ऊपर से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। और मैंने इसको तेज गैस पर ही किया है, साइड में रख देंगे। अब मैंने लिए कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा, पहले तो मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ हींग, जो डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा देगी। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, जीरे को अच्छे से फूलने देंगे। देखिए एक बड़े साइज की प्याज ली थी मैंने, उसको ना मैंने बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। 2 मैंने हरी मिर्ची ली थी, उनको भी छोटा छोटा काट लिया, वो डाल रही हूँ। देखिए मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे पतला और लंबा काट लिया था। अब इन सब चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए प्याज के साथ अगर मिर्ची भूनते हैं ना तो मिर्ची का तीखापन कम हो जाता है। देखिए ये हो गई है, अब डाल देते हैं कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। देखिए नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून अभी नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, ये कम तीखी वाली है जिससे कलर अच्छा आता है, मैंने वो यूज़ करी है। अच्छे से पहले मसालों को मिक्स कर दें। मैंने 1 टमाटर को छोटा छोटा करके डाला है, ये कम खट्टे वाला टमाटर है, पहले तो बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स कर दें। देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम पालक भी डाल देते हैं। देखिए सारा पालक डालने के बाद गैस को लो मीडियम कर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब मैंने गैस को तेज कर दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे हम। जैसे जैसे मिक्स करते हैं पालक अपना पानी छोड़ेगी, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां जो होती है ना इसको हमने धोया है इसलिए इसमें पानी होता है, वो रिलीज करती हैं। देखिए 3-4 मिनट तक इसको हमने खुले में पकाया है, आप देख पा रहे होंगे ये श्रिंक भी हो गया है और काफ़ी हद तक इसका पानी सूख भी गया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इसका स्वाद भी ना इसको और भी बढ़ा देता है इसमें पालक आलू का।
इसके साथ ही जो हमने पीस कर तैयार किया है लहसुन और मिर्ची, उसको भी हमने डाल दिया है। पहले तो अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर दें। अब इसमें आलूओं को भी डाल देते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस को लो मीडियम करकर इसको 5-7 मिनट तक ढक देंगे, लेकिन बीच में चेक जरूर कर लेंगे। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन एक बार इसको हमने बीच में चला दिया था। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालने लगी हूँ अमचूर पाउडर। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। मैंने गैस को तेज कर दिया है। मिक्स करते हुए इसे हम 2 मिनट तक खुले में ही भून लेंगे। देखिए 2 मिनट तक इसको हमने भून लिया है। मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, पानी भी काफी हद तक सूख चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। ये बनकर तैयार है, जिसे आप चपाती के साथ खा सकते हैं, सिंपल परांठे के साथ खा सकते हैं, लच्छा परांठों के साथ भी अच्छा लगेगा और चावलों के साथ भी अच्छा लगेगा। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।